हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि घटनाचक्र करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल रिलेशन से पहले अभी हाल ही में हमने नेशनल करंट अफेयर को कम्प्लीट किया है, तो नेशनल करंट अफेयर को हम डिस्कस कर रहे थे। नेशनल करंट अफेयर आपका कम्प्लीट हो चुका है और इसकी एक मैराथन क्लास भी बना दी गई है। तो अगर आप एक साथ पूरे एक साल का नेशनल करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस मैराथन क्लास को देख सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगज़ीन में आपका 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पर आपको नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सभी करंट अफेयर आपका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा और इन सभी पर अलग अलग वीडियोज़ आएंगी। तो ये आपकी लेटेस्ट मैगज़ीन है 2023 के लिए। तो यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल करंट अफेयर। तो ये नेशनल करंट अफेयर आपका, आप देख सकते हैं, नेशनल करंट अफेयर में था आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, अमृत भारत स्टेशन, तो काफ़ी कुछ था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और ये सारा करंट अफेयर आपका कवर हो चुका है। देखिए, दूसरा सेक्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर काफ़ी सारे सब पार्ट में बांटा गया है, आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई। सबसे पहले ए में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो भारत और अन्य देशों के साथ जो भी संबंध हैं, जो भी अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देन आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, जितना भी रिपोर्ट और इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पब्लिश हुआ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को यहाँ पर कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव एवं सत्ता परिवर्तन यहाँ पर देखेंगे। देन अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को हम ई सेक्शन में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका कवर होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, विभिन्न दो कंट्री के बीच के, भारत और अन्य कंट्री के बीच के संबंधों को यहाँ पर देखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच का संबंध और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुँचे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2023 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, जिस कारण से यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री की यह 5वीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP28 के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबिर से मुलाकात की। ज्ञातव्य है कि यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, यहां से आपको ये भी पता चला कि इस बार COP28 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को होगा। कहां पर होगा? दुबई यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि यहां पर ये प्रस्तावित है। देखिए, 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मध्य प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई थी। दोनों नेताओं की उपस्थिति में 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई सेंट्रल बैंक के मध्य समझौता ज्ञापन।
इस MOU का उद्देश्य सीमा पार लेन देन हेतु स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना करना है। तो आप देख सकते हैं, पहला समझौता भारतीय रिजर्व बैंक RBI और UAE सेंट्रल बैंक के बीच में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, सीमा पार लेन देन हेतु स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया एवं UAE दिरहम, तो UAE का क्या है मुद्रा, दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना करना है। दूसरा समझौता RBI एवं UAE केंद्रीय बैंक के बीच किया गया है और इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है भुगतान एवं मैसेजिंग प्रणालियों, पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम को आपस में संबंधित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करना है। इस MOU के अंतर्गत भारत के UPI और UAE के IPP इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में संबंधित करने का प्रावधान किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग अबू धाबी और IIT दिल्ली के मध्य समझौता। इस समझौते का उद्देश्य अबू धाबी UAE में IIT दिल्ली के परिसर कैंपस की स्थापना करना है। उल्लेखनीय है कि IIT दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है, तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ज्ञातव्य है कि IIT मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो पहला कौन सा है, IIT मद्रास, दूसरा कौन सा है, IIT दिल्ली। IIT मद्रास का विदेशी परिसर जांजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत और UAE के बीच में जो भी समझौता हुआ है, जितना भी करंट अफेयर था, वो काफी अच्छे से यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी, जिस कारण से ये सब करंट अफेयर आपका यहाँ पर बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अभी बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच में संबंध की, तो भारत और फ्रांस संबंधों की बात करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल विजिट सम्पन्न की थी। तो भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे, कब गए थे, 13 से 14 जुलाई 2023 को, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था, जिस कारण से वो ऑफिशियल विजिट पर यहाँ पर गए थे। देखिए, यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा थी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई। आपको यह भी याद रखना है कि भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष इस बार पूरे हुए थे, तो 25वीं वर्षगांठ थी भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित LAC पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आपको इस पुरस्कार का नाम याद रखना है, ये कहाँ का पुरस्कार है, फ्रांस का। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर को प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बने हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस फ्रेंच नेशनल डे बैस्टिल डे के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में प्रतिभाग किया। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में
आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैस्टिल डे परेड में प्रतिभाग किया था। चलिए देखते हैं, देखिए मार्से फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई है। भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के फ्रांस में प्रयोग करने पर भी सहमति बनी है। इस हेतु भारत के NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता भी हुआ है। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के UPI को कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रांस में भारत के UPI के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से होगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने देखा भारत और फ्रांस के बीच के संबंध। नेक्स्ट है आपका भारत और मिश्र। चलिए भारत और मिश्र के बीच के संबंधों को देखते हैं। तो मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 से 25 जून 2023 के मध्य मिस्र की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो प्रधानमंत्री जी ने मिस्र की भी यात्रा पर गए थे। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा है, साथ ही यह वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा भी थी। भारत मिश्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। ज्ञातव्य है कि दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा भी किया था। आपको बता दें कि यह 11वीं शताब्दी की मस्जिद है, जिसका पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण बोहरा समुदाय द्वारा कराया गया है। काहिरा में ही प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए युद्ध करते हुए अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इतिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने के लिए समझौता भी किया गया। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर ऑफ द नाइल क्या है, कौन से देश से संबंधित है। तो आपको बता दें कि ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए अभी बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की। देखिए भारत और अमेरिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा ऑफिशियल स्टेट विजिट संपन्न की। तो ये आप सभी को पता होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु ही संपन्न हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित
नौवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या थी तो आप देख सकते हैं, इस बार की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। इसके पूर्व उन्होंने सितंबर 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी जीई एरोस्पेस एवं एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य एक समझौता भी संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन के तहत जीई F414 जेट इंजनों के संयुक्त उत्पादन हेतु GE एरोस्पेस HAL के साथ क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को साझा करेगी। इन जेट इंजनों को भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया है। देखिए, उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, UAE, UK एवं अमेरिका। यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसरो एवं नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु निसार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में भी प्रयासरत हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, निसार किसका प्रोग्राम है, तो ये इसरो एवं नासा का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 22 जून 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्धचालक निर्माता कंपनियों में से एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक ने भारत में एक नई अर्धचालक असेंबली एवं परीक्षण सुविधा के निर्माण की अपनी योजना की घोषणा की है और यह सुविधा गुजरात में स्थापित की जाएगी। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार देश भी बन गया है। ज्ञातव्य है कि MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी MSP के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी MSP में भागीदार है। 21 जून 2023 को Washington DC में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र को लॉन्च किया गया है। इंडस एक्स इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स विश्वविद्यालयों इंक्यूबेटर कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। ये वाणिज्य दूतावास बंगलुरु एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना भी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा भारत और अमेरिका के बीच के संबंध। अभी नेक्स्ट है आपका भारत और सर्बिया। चलिए भारत और सर्बिया के बीच का करंट अफेयर को अच्छे से समझते हैं, इनके बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो सर्बिया कौन गया? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी, साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया, साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ भी मुलाकात की। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू दी अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। नेक्स्ट है आपका भारत सूरीनाम। चलिए भारत सूरीनाम के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून 2023 के मध्य है पैरामैरिबो की यात्रा पर रही, जो कि सूरीनाम की राजधानी है पैरामैरिबो। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती मुर्मू की यह पहली राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर आए थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। जनवरी 2023 में अपनी भारत यात्रा के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति ने इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी प्रतिभागी किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि देखिए 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम में निवास करने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त करने हेतु अहर्ता मानदंडों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की। इस निर्णय से सूरीनाम में भारतीय मूल के 5वीं एवं 6ठी पीढ़ी के लोगों को भी OCI कार्ड सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका भारत नेपाल। चलिए भारत नेपाल के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान लॉन्च प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है रेलवे लाइन के कुर्था बीजलपुरा खंड को सौंपना। उल्लेखनीय है कि यह खंड भारत और नेपाल के बीच जयनगर बीजलपुरा बर्दिबास रेल परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा है नेपालगंज नेपाल और रूपी डीहा भारत में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन। 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच एक लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत और जापान। चलिए भारत जापान के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन एनुअल बायलेटरल समिट का भाग नहीं थी। ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में
आयोजित होगा, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया। चलिए भारत ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुँचे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गुवास्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित रहे। 9 मार्च 2023 को ही श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। सबसे पहला है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा है नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, और फोर्थ है आपका दो कार्यबलों टास्क फोर्सेस जैसे सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों इनोवेशन इकोसिस्टम को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा भी की गई है। इसी के साथ आपको बता दें डीकिन विश्वविद्यालय के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। देखिए 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की विनियमन 2022 को भी अधिसूचित किया था। नेक्स्ट है आपका भारत भूटान। चलिए भारत भूटान के बीच के संबंधों को समझते हैं। 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देंचु जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। तो आप देख सकते हैं ये जल विद्युत परियोजना 1 है, जल विद्युत परियोजना 2 है, और ये खोलोंगछु जल विद्युत परियोजना है, चुखा जल विद्युत परियोजना है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलुफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। नेक्स्ट है आपका भारत इटली। चलिए भारत और इटली के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। उसके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारतीय यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कांटे ने भारत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं। सबसे पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल, प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच समझौता। नेक्स्ट है आपका भारत जर्मनी। चलिए देखते हैं, 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार, इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है आपका भारत और मिश्र। भारत और मिश्र को समझते हैं, 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु एवं सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। इसके अलावा 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत बांग्लादेश। चलिए भारत बांग्लादेश को समझते हैं, 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यातव्य है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है।
5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल और गेड़े में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। चलिए अभी बात करते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। आपको बता दें कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पाबतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने भारत और अन्य देशों के बीच के संबंधों को देखा, या ये जो किसी ना किसी कारण से आपका एक साल के दौरान न्यूज़ में बने हुए थे और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, इंटरनेशनल करंट अफेयर की ये सीरीज़ आपकी जारी रहेगी। अभी हमने सिर्फ आपका भारत और अन्य देशों के बीच के संबंधों को देखा है जो किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में थे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी इंडेक्स और रिपोर्ट एक साल के अंदर पब्लिश हुआ है उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।